और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं जो निफ्टी 50 का है, लार्ज कैप है और जिसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, आपको मालूम भी है, लेकिन मैं एहसास करा रहा हूं कि आपको फिर से कैसे मालूम हो पूरे तरीके से जब आपको मैं डिटेल्ड एनालिसिस करके बताऊंगा। तो उसके पहले मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं तो उन्होंने बहुत गुजारिश की है कि भाई जो ज़ीरोधा में जिनका अकाउंट वगैरह ना हो तो ऐसे क्लिक करके ये थोड़ा सा करना पड़ रहा फॉर्मेलिटी पता नहीं, तो यहाँ पे जिनका खाता ना हो तो आप खुलवा सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर डाल के बाकी सारी हेल्प इनकी तरफ से हो जाती है, बहुत ईजी है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करना। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बहुत सारे लोग जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इसके फंडामेंटल के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके स्टॉक्स ले रखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा कि आगे आने वाले 10 सालों में कितना रिटर्न तक आपको मिल सकता है, मिलेगा ये श्योर नहीं कह रहा हूँ, मिल सकता है। कंपनी के हम बारे में बात करेंगे, उसके फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे और 10 सालों के रिटर्न के बारे में बात करेंगे कितना दिया है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जानना कि कंपनी क्या करती है और किस सेगमेंट में करती है, कौन सा टॉप सेगमेंट है, क्यों इतना ये अच्छा रिटर्न बना के दे रही है और क्यों इतनी बढ़िया NBFC की कंपनी है, जबकि बहुत सारी कंपनियां नॉन बैंकिंग में तो भाई पूछिए मत, मतलब धूल चाट रही है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो समझिए कि आज जो आपने वो देखा ही, इंडिया बुल्स की क्या हालत है, आपने DHFL की क्या हालत है देखा ही है। तो बहुत कम है जो NBFC कंपनियां हैं अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और उनमें से एक है बजाज फाइनेंस जो शानदार है और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं। अब एग्जांपल के लिए आप लोग इसके लिए काम करते हैं, आप लोग इनका बिजनेस है, वो कैसे देखिए, ना तो ये कोई ऐसा आटा बना रही, ना तो गेहूं फसल उगा रही, ना तो सिगरेट बना रही है, ये आपको फाइनेंस करती है। कैसे फाइनेंस करती है? मान लीजिए कि आप एक सर्विस करते हैं और सर्विस में आपकी लमसम अराउंड सैलरी 50,000 मान लीजिए, है ना, आप किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं, आपकी 50,000 सैलरी है और उस सैलरी में आपको बहुत सारे, हो सकता है कि आपने होम लोन ले रखा हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो या खाने पीने में, रेंट वगैरह देने में या जो भी हो खर्चे हो जाते होंगे, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ और अगर मेरे पास खुद का एक लैपटॉप हो या मैकबुक हो तो मैं घर से और पार्ट टाइम भी कुछ कर सकता हूँ या ऑफिस का ही काम आधा मैं वहाँ पे भी कर सकता हूँ, क्योंकि आजकल जब से ऑनलाइन होगी चीज़ें तो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा इजी हो गया है और अभी तो आने वाले जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसमें तो और क्रांति आ जाएगी। तो अगर आपको लैपटॉप लेना है और लैपटॉप की कीमत है मान लीजिए 70-80 हज़ार आपके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तब तो आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपकी सैलरी ही नहीं है उतनी। तो क्या करेंगे, सैलरी बढ़ने का वेट करेंगे, फिर आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी। सिंपल सी बात है, बजाज फाइनेंस या और भी बजाज फाइनेंस जैसी कई कंपनियां हैं जो आपको लोन देती हैं कि भाई आप ये लैपटॉप लेना है आपको, या आपको मोबाइल लेना है आपको, या फिर आपको हाउसिंग लोन लेना है, या आपको जो जो लेना हो, जो जो प्रोवाइड करती है कि कार लोन ले लीजिए, होम लोन ले लीजिए, तो आप तुरंत ले लेते हैं और आप मेहनत करके इनको चुकाते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो इस कंपनी की कमाई होती है, ये आपको जो लोन देती है उससे जो ब्याज आता है ये इसका मुनाफा होता है। तो बजाज फाइनेंस इस सेगमेंट में काम करती है, लोन, क्रेडिट कार्ड्स, फिक्स डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, और लोन में कई तरीके के लोन हैं, आप सभी परिचित हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इनके प्रोडक्ट्स यूज़ भी कर रहे होंगे। जैसे कुछ हो सकता है कुछ लोग पर्सनल लोन लिए होंगे, किसी ने बिजनेस लोन लिया होगा, किसी ने होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र किया होगा, किसी ने लोन फॉर डॉक्टर्स, लोन फॉर समथिंग समथिंग, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, है ना। तो रिटेल्स में ज़्यादा इनका काम है, रिटेल में इनका ज़्यादा काम है। अब होता क्या है, रिटेल छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे कस्टमर्स को लोन देते हैं, उनके भरोसे वाले, ये बड़े कॉरपोरेट के बहुत ज़्यादा लोन्स नहीं देती कि भाई हमने कई हज़ार करोड़ इन्होंने किसी को पे कर दिया और वो भाग गए या फिर कंपनी डूब गई या कंपनी ने अच्छा काम नहीं कर पाया तो इनको NPA बढ़ गया।
तो रिटेल सेगमेंट में ज़्यादा इनका बिजनेस है, इसलिए लगातार ग्रोथ पे ग्रोथ कर रही हैं। हम फंडामेंटल भी दिखाएंगे। और यहाँ पे हम आ जाते हैं, बजाज फाइनेंस लिमिटेड 3299 रुपए के भाव पे ट्रेड हो रहा है, मतलब जो क्लोज हुआ आज है 29 अगस्त 2019, और मार्केट बंद हो चुकी है। अब आप ज़रा सोचिए कि जो इसका मार्केट कैप है 1,92,893 करोड़, क्या 10 साल पहले इतना था? नहीं था। क्या 10 साल बाद इसका मार्केट कैप यही रहेगा? हो सकता है कि 1,92,000 करोड़ से ज़्यादा 6 लाख करोड़ के आसपास हो जाए। तो आपका ये जो प्राइस है ये कहाँ पे होगा? आपको रिटर्न ये जो दिखा रहे हैं, इस भयानक गिरावट में भी 1 साल में 12% FD से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, 6 मंथ में 24-25% के आसपास का रिटर्न दे रहा है इस गिरावट में भी, क्योंकि कंपनी इतनी मजबूत है, इतनी शानदार है कि इन लोगों ने ले रखा है तो उनको इतना भरोसा है कि इतने महंगे जो वैल्यूएशन, इसकी थोड़ी सी महंगी है, जो प्राइस है थोड़ा सा महंगा है, ऑब्वियसली महंगा है जिस हिसाब से इसकी अर्निंग है। 3299 रुपये, मतलब पर शेयर पे इसकी 75 रुपये कमाई है। इस हिसाब से पी रेशियो आ रहा है इसका 44, लेकिन नहीं, क्योंकि इसके फंडामेंटल अच्छे, इसके रिजल्ट्स आते हैं, ये कमा रही है, कोई कर्जा नहीं है, इस वजह से ये महंगा तो है लेकिन लोगों ने खरीद के रखा हुआ है, लिए हुए बने हुए हैं, रिटर्न लोगों को मिल रहा है। इसलिए फेस वैल्यू 2 की है, अगर फेस वैल्यू मान लीजिए 10 की होती तो और कई गुना इसका प्राइस होता है, स्प्लिट हुई है। डिलीवरेबल है 11% के आसपास, प्राइस बुक है 9.71। अब हम और कुछ चीज़ें जान लेते हैं, बेसिक चीज़ें। यहाँ पे हम आ चुके हैं और मार्केट कैप देख चुके, प्राइस देख चुके, स्टॉक पी देख चुके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 13% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी है 21% के आसपास, सेल्स ग्रोथ 33% देखिए। और अगर हम क्वार्टर के रिजल्ट्स या प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं पहले, देखिए साल दर साल अगर हम देखते हैं तो अनवरत रेवेन्यू में इनके जो है कंसिस्टेंट ग्रोथ है, कहीं भी आपको डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार इनका जो नेट प्रॉफिट कहाँ, मार्च 2008 में 21 करोड़ का हुआ करता था इनका नेट प्रॉफिट, और आज मार्च 2019 में 3890 करोड़ का है, देख रहे हैं आप। तो ये होता है, ये होती है ग्रोथ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है इसके 3 इयर्स का अगर हम देखते 33 के आसपास, नेट प्रॉफिट ग्रोथ है 44% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपाउंडेड 21% के आसपास। और हम थोड़ा सा डिटेल्ड में क्वार्टरली देख लेते हैं। हाँ, जून 2018 से जून 2019 ईयर ऑन ईयर नेट सेल्स में देखिए इनकी 47% की जंप है, मतलब साल में 50% के आसपास की जंप है, बहुत शानदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी करीब करीब 50% के आसपास जंप है, नेट प्रॉफिट में भी यहाँ 42% से ज़्यादा की जो है अपसाइड है, मार्जिन में भी यहाँ पे 1.13% की अपसाइड है। और इसी प्रकार जो है क्वार्टरली भी देख लेते तो मार्च 2019 से जून 2019 में यहाँ पे 9% ज़्यादा की अपसाइड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 6% ज़्यादा की अपसाइड है, और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे 1.63% की अपसाइड है, मार्जिन में थोड़ी सी डाउनसाइड है 1.62% के आसपास। अब समझिए कि ऐसी कंपनी जिसके फंडामेंटल अच्छे, जिनके ग्रोथ है हर साल ग्रोथ है, जिनका नेट प्रॉफिट अच्छा है, जिन पे कोई कर्जा नहीं है, ऐसी कंपनियां आपको बना के देंगे ज़बरदस्त रिजर्व इनके पास। अगर मार्च 19 में यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन से कट रहा है, 19,448 करोड़ के आसपास है, और बोरोविंग तो इसलिए रहता है कि ये पैसा लेके ही पैसा देती हैं, तो ब्याज से जो इनको कमाई होती वही होती है, शुद्ध लाभ इनका वही होता है ब्याज से। तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि निफ्टी 50 का स्टॉक है, लार्ज कैप है। हाँ, लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा, सब कुछ तो मैंने कह दिया। अच्छा, डिविडेंड भी देख लेते, देखिए डिविडेंड दिया है इस वर्ष इन्होंने मई में 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो शानदार डिविडेंड भी पे करता है।
अब जिस प्रकार से हमको हमें इसका शेयर प्राइस लग रहा है तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा महंगा ही है ना। लेकिन कंपनी शानदार है। अब मैं इसका 52 वीक लो और हाई दिखाता हूँ और एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा नेट की वजह से, एक तो मनी कंट्रोल में इतने ऐड भरे पड़े हैं कि दिख। हाँ, साल का जो लो था, सॉरी फिर से देखिए, ओहो, साल का जो लो था 1912 और हाई बनाया 3761 से अब 3299 यानी 3300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी नीचे तक आ चुका है, लेकिन अगर आपको किसी भी कारणवश 3000 से नीचे मिलता है या आसपास मिलता है तो आप चाहें तो अपने इच्छानुसार, मतलब जो आपकी क्षमता हो, मतलब 100 रुपये में से अगर फाइनेंस कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना है तो 10-15 रुपये जो भी लगाना है, 10-15% वो आप एक अपने जो पोर्टफोलियो में आपने NBFC कंपनियाँ रखी होंगी, आप बजाज फाइनेंस को शामिल कीजिए, तो उस समय आप अगर 3000 के आसपास मिलता है तो ले सकते हैं लंबे समय के लिए। और फिर भी देखिए, अगर जिनका लंबा प्रॉस्पेक्टस है उनको मुझे लगता है कि 3300 रुपये भी बहुत महंगा नहीं है, है ना। लेकिन हो सकता है कि नीचे और आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता ना, थोड़ा सा महंगा तो है। तो मार्केट में जिस प्रकार से रुझान चल रहा है तो यहाँ से ये लगभग भागा और हाई बना के भी नीचे की ओर रुख है। तो अब हम इसके आपको रिटर्न बताएंगे, लेकिन रिटर्न जो है आपको दिल थाम के देखना होगा, क्योंकि आप कैलकुलेटर उठा लीजिए, 10 सालों में इसने दिया है 16738। तो 16738% के रिटर्न ये होते हैं कि अनुमान लगाएं अगर हम कि 1 लाख पहले अगर हम 10 वर्ष पहले लगाए होते तो 1,67,00,000 समथिंग आपके बन चुके होंगे। तो ये है शेयर मार्केट दोस्तों, ये है शेयर मार्केट। धैर्य, पेशेंस, अच्छी कंपनियों का चुनाव, ये सब करने से ये फायदा होता है। अब गया तो था, इस साल भी देखिए, इस साल इसने 1900 के आसपास का लो बनाया अपने हाई से। तो जो हाई से जब वो लो पे गया तो लोग घबरा के, हो सकता है बेचबाज दिए हों। अगर ये नीचे गया भी तो भी ये बाउंस बैक बहुत ज़बरदस्त करता है, गया भी नीचे तो बाउंस बैक करता है। अगर बिकवाली हुई भी तो फिर नीचे के लेवल पे ख़रीदारी भी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए जो लंबे समय के निवेशक हैं वो कभी भी भागे नहीं। 5 सालों में 1236% के रिटर्न है, कौन देता है इतना रिटर्न, कौन से बिजनेस में, कौन से व्यवसाय में। 3 सालों में 200% के आसपास के रिटर्न, 2 सालों में 85 और 1 साल में 10% और बाकी मैं दिखाई चुका हूँ। तो बढ़िया कंपनी है बजाज फाइनेंस, लेकिन अब ये नहीं कि सारा पैसा आप इसी में लगा दो है? आपको डिसाइड करना है कि कितनी पूंजी आपको लगानी है इस सेक्टर में, इस स्टॉक में, अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपने 10-12 शेयर के जो डाइवर्सिफाई बना रखे हैं तो उनमें से आप थोड़े थोड़े हर गिरावट में लेते जाएं, यही एक समझदारी का परिचय है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैंने सिर्फ एक अच्छी कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है और मैंने सारी डिटेल्स बताई हैं आपको, रिटर्न भी बताया और आने वाले समय में 10 सालों में उसको बताया, अनुमानता है कि कितनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी हो सकती है जिस प्रकार से इसके बिजनेस है, क्योंकि इसको कमवाने वाले आप लोग हैं। मोबाइल आप खरीदते हैं एप्पल का 60-70 हज़ार का तो यही फाइनेंस करती है, बाइक आप खरीदते हैं तो यही फाइनेंस करती है, पर्सनल लोन आप लेते हैं तो यही फाइनेंस करती है। अगर पर्सनल लोन भी लेके, अगर इस पैसे में एक मैं लोन लेके कभी सलाह नहीं देता कि आप शेयर लीजिए, लोन, कर्जा, गोल्ड, ये सब कभी लेके शेयर नहीं लेने चाहिए। लेकिन एक जुमला होता है ना कि जैसे कि अगर अब जैसे मेरे थंबनेल पे मान लीजिए जो कुछ भी मेंशन होता है, बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि थंबनेल पे आप लिख देते हैं कि पक्का अरबपति बनोगे, ये मत लिखा कीजिए। भाई थोड़ा सा वो लिखना पड़ता है और मेरा काम नहीं, वो हमारे थंबनेल मेकर का है। तो उनको मैंने समझाया, भाई ऐसे मत लिख दिया करो, थोड़ा मेरे से भी गाइड ले लिया करो। तो होता क्या है कि थंबनेल वही चीज़ है, थंबनेल देख के कभी भी स्टॉक नहीं लेना चाहिए। थंबनेल वही चीज़ है, जैसे कि आप अगर एक आपका हौसला अफजाई करने के लिए अगर मैं आपको बोल दूं कि आप एक पत्थर तबीयत से उछालो तो आसमान में सुराख हो जाएगा,
तो आप बाहर जाएं सड़क पे और एक पत्थर उठा के ऊपर मारेंगे तो ऊपर उल्टा आपके ऊपर ही आके गिरेगा, लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि वो दूसरा मुहावरे का प्रयोग होता है, तो थंबनेल इज अ मुहावरा लोगों को आकर्षित करने का, लेकिन अंदर क्या है वो सच्चाई देखनी पड़ेगी, है ना। तो मैं यहीं पे अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ दोस्तों, थैंक यू।